जो 15 अगस्त का टाइम चल रहा है जी, और कोई भी असामाजिक तत्व आकर के भीड़ के बीच में कुछ गैर कानूनी हरकत कर देगा तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कोई इनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कहाँ से आ रहा, कौन कहाँ? नहीं सर, ऐसा मत बोले, आइडेंटिफिकेशन नहीं, ये सारे आइडेंटिफिकेशन, बिना आइडेंटिफिकेशन वाला यहाँ कोई नहीं है ना। अब आप इसमें कोई चेकिंग कोई कुछ नहीं है, पता नहीं है कोई कहाँ से आ रहा। नहीं, एक बार इसको बैठ के एक बार बात करते व्यवस्थित करते हैं सर। अगर दिल्ली पुलिस चाहेगी तो शायद कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरीके की हमारी गतिविधि को सर 3 दिनों का कोऑपरेट तो हम लोग भी करके बैठे हैं। कैंट बोर्ड का एरिया है जी, आर्मी का एरिया, हाई सिक्योर एरिया है। हाँ जी, ठीक है, कैंट बोर्ड भी है और आर्मी का एरिया है, यहाँ से आर्मी की भी गाड़ियाँ जाती है, इमरजेंसी एम्बुलेंस भी जा रही है, वो सब रुक गई है। पूरी ये वेस्ट दिल्ली को साउथ दिल्ली, नई दिल्ली से जोड़ने का मेन रोड है पंखा रोड। अब यहाँ करने की बात सर, आप नहीं, ये सर हमने एम्बुलेंस को तो कोई रोक ही नहीं रहा है, तो कोई रोक ही नहीं रहा है क्या? जल्दी ऊपर सर, जवाब दीजिए ना। अरे सर, ऊपर से आया है क्या कोई दबाव? अरे सर, कोई ऊपर से दबाव आया है क्या? कोई दबाव नहीं है, प्लीज आप प्रशासन की दबाव नहीं है। हमने इनको वो दे दिया जो हमारे पीछे से कंप्लेंट आई है आर्मी की, ठीक है, वो हमने इनको पास कर दिए। अब इन्होंने डिसाइड करना है क्या करना है, ठीक है। आर्मी की गाड़ी तो कोई रोक ही नहीं रहा सर, सब रुक रही है, एम्बुलेंस रुक रही है, नहीं सब रस्सा लगा दिया, आप देख लीजिए, रस्सा लगा दिया, बैरिकेड लगा दिया हमारे, इन्होंने खींच के वापस दोबारा से। प्रशासन चाहता नहीं है कि सर ये न्याय हो। बिल्कुल न्याय हो रहा है, पूरी तरह से केस रजिस्टर होकर सारी धाराएं लग चुकी है, मुलजिम अरेस्ट होकर जा चुके हैं। आरोप है कि पुलिस ने उन बच्ची के माता पिता को गिरफ्तार किया और उनको हवालात में पीटा, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलत बात, और ये भी आरोप है कि 20,000 रुपए देने की बात। बिल्कुल आरोप, बिल्कुल गलत आरोप सर, आप बताइए तो सही। बिल्कुल आरोप गलत है, हम नकारते हैं। कैसे कह रहे हो पब्लिक ने क्या अल्टीमेटम दिया आपने सर? पर ये झूठ बोल रास्ते के लिए लग गया, पीछे लगो। दिल्ली पुलिस, ये तो किया, ये है दिल्ली पुलिस की सेवा, तो बुझाने नहीं दे रहे। बोर्ड की तरफ से एक नोटिस आया है कि जो आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हो यहाँ से उठ जाइए। कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, बट कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर बलात्कार जरूर हो सकते हैं, ठीक है ना। और जो ये बलात्कार है और जो ये बेटी है जिस बच्ची के आप साथ में धरना खत्म करने के लिए धरना खत्म कर यहाँ से इनको रास्ता देने के लिए, अरे प्रधानमंत्री की इतनी औकात नहीं धरना खत्म करवा दे? आप कैसी बात कर रहे हो, इनकी तो बात ही अलग है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा धरना तो खत्म नहीं होगा। ये जो बोल रहे हैं ना कि यहाँ से उठना पड़ेगा, यहाँ से उठाने के लिए जो यहाँ से जो ये बोल रहे हैं कि यहाँ से आपको उठना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको मजबूरन अपनी तरफ से उठाएंगे, आप समझते हो ना इनका मजबूरन। और ये बताइए, कैंट के कैंट एरिया में रेप हो सकता है, आंदोलन नहीं हो सकता, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोगों ने, इस देश की जनता ने अपनी अपनी बच्चों को, अपनी बच्चों की रूबरू लुटवाने के लिए सत्ता में उठा दिया है जी। नोटिस कहाँ है? वो नोटिस ये रहा मेरे पास है, आप देख सकते हैं, ये नोटिस आया हुआ हमारे पास, स्कैन कीजिएगा कैमरामैन, ठीक है, ये देखिए, ये पूरा ये नोटिस आया हुआ हमारे पास में, नियर FOIA रिपोर्ट एट नॉर्मल। और इस नोटिस के ऊपर कोई टाइम पीरियड नहीं है जी, सुनिए सुनिए, क्या कहा गया, आप एडवोकेट हैं, आप बताइए। सुनिए, पहली बात तो इस नोटिस की अगर लीगलिटी देखे तो इन्होंने हमें कोई टाइम पीरियड नहीं दिया है, ये कह रहे हैं कि आपको फोर्सफुली उठाएंगे। अगर ये हमें फोर्सफुली उठाते हैं तो ये आंदोलन और ज्यादा उग्र होगा, ठीक है, ये पूरे देश का आंदोलन बनेगा ये वाला। अब इनसे हम क्या करेंगे, इनसे मीटिंग करेंगे और देखेंगे हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन हम यहाँ से हटेंगे नहीं, हमें हमारी देश की बेटी को न्याय चाहिए। जब यहाँ पे अगर आंदोलन के लिए मना करें तो रेप कैसे हो गया, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट केस? रेप की घटना से महज 2 मिनट की दूरी पे पुलिस चौकी है, महज 2 मिनट की दूरी, 2 मिनट पुलिस चौकी, आप 2 मिनट पुलिस चौकी कहते हो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप सुनिए, जिस थाने के अंदर इस नन्ही गुड़िया के लिए हम लड़ाई लड़ने लग रहे हैं, जिस थाने के अंदर ये कंप्लेंट थी, उसी थाने से कल एक माँ ने जो वो चैनल चल रहे हैं ना, वैसे यूट्यूब वाले ज्यादा, वो कह रही बैठी है भैया हम तो यूट्यूब वाले भी देख रहे थे, सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए एक माँ को ये पता चलता है कि किसी बच्ची के साथ में इतनी दरिंदगी हुई है, और कोई वहाँ पर उनके लिए बैठा है, इंसाफ दिलाने के लिए एक मंच तैयार किया गया है जो गैर राजनीतिक है, तो वो माँ आई अपनी उस बच्ची के लिए, उस बच्ची के साथ 2018 में उसी के रिश्तेदार, उसका फूफा बताए जाने वाले को
इस बच्ची के साथ दरिंदगी की गई। 2018 की केस, और वो केस सदर थाने का था, और वो बंदा पॉस्को लगी हुई है, उसके बाद भी एक साल बाद वो आराम से घूम रहा है। तो आप ये देखिए, क्या मांग है आप लोगों की, क्या सजा होनी चाहिए इन दरिंदों के साथ? सजा तो देखो इनकी फांसी की होनी चाहिए, ठीक है, और फांसी ऐसी भी नहीं। हमारी बहन ने बहुत अच्छा बोला, सजाए मौत, और सजाए मौत का जो प्रावधान है, देखिए फांसी के अंदर एक प्रावधान होता है, अगर किसी की किस्मत अच्छी होती है, वो अलज के टूट जाती है, तो उसको फिर फांसी नहीं हो सकती। हमारी तो डिमांड ये है कि अगर कैसे भी अगर ऐसा हो गया, अगर वो अलज के टूट के किसी कारण अगर पट गया और उसको फांसी नहीं लगी, मौत की सजा होनी चाहिए, चाहे उसकी गर्दन आरी से काटे, चाहे उसके गोली मारे, कुछ भी करे, सजा मौत होनी चाहिए। तो देखा देखा आप लोगों ने सर, हमें टैंकर के लिए जो इन्होंने हथियार अपनाए थे ना, उनको शूट आउट कर दिया था अगले ही दिन, हमें वही इतिहास दोहराना है, चारों को हमें इनकाउंटर किया था अगले दिन ही, ना उनकी सुनवाई हुई, ना ही पता चल पाया, इस बात का कोई रिप्लाई है भी नहीं, लेकिन फिर भी उनको शूट आउट कर दिया, लेकिन हमें भी इसी तरीके के, मैं आपके न्यूज के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ, जो ये धरना प्रदर्शन बच्ची के लिए जो चल रहा है, ये बड़ा शांतिपूर्वक यहाँ के लोग माताएं बहने, और मैं आपको बताऊं, युवा शक्ति तो अपना इनके इनके लिए ना माता बहने ज्यादा है, इसके अंदर महिला शक्ति अपना रूप धारण कर चुकी है, ये दुर्गा बन चुकी है, ठीक है, और जितने भी युवा साथी है सब इनके लिए बैठे हुए हैं, सब इनकी कोई सेवा में लगा हुआ, कोई खाना पिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है। आज हमारी इस लड़ाई को खत्म करने की साजिश की गई थी, बीजेपी के नेता हमारे स्टेज के ऊपर जबरदस्ती चढ़कर और स्टेज को तोड़ दिया गया। स्टेज को तोड़ने के बाद में अपनी खुद की मीडिया लेके आते हैं, कौन सी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, अरे वे लोग बोलते हैं डरते हुए, जो डरते हैं, मैं बोलता हूँ मोदी मीडिया, गोदी मीडिया नहीं, मोदी मीडिया, मोदी उनसे भी चार्ज लेता है, कमीशन लेता है। जो हमारे साथ में षड्यंत्र रचा जा रहा है ना इस आंदोलन को खत्म करने की, और ये जो राजनीति करी जा रही है, तो क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा इस षड्यंत्र से? ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? आप किस स्तर पर जाएंगे जब तक, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, जब तक देखिए ऐसे दरिंदों को मौत की सजा नहीं मिलेगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, और एक महीने के अंदर अंदर सजा का प्रावधान होना चाहिए।